फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत इतिहास में सिकंदर लोधी का अपने टॉपिक चल रहा था। हमने सिकंदर लोधी की उपलब्धियों विजयों का वर्णन कर रहा थे। सैन्य अभियान, सिकंदर लोधी का सैन्य अभियान पर हम चर्चा कर रहे थे। उसको सैन्य अभियान पर बातें चल रही थी अपनी। उस पर पहला था अपना तातर खान लोधी के विरुद्ध अभियान। तातर खान लोधी के विरुद्ध अभियान, ये अपने पिछली वीडियो के अंतर्गत तातर खान लोधी के विरुद्ध अभियान करवाया था कि कालपी में अपनी स्थिति सुधार करने के पश्चात सिकंदर लोधी ने जथरा के राज्यपाल, यानी कि जथरा यहाँ का राज्यपाल था, जथरा के राज्यपाल तातर खान के विरुद्ध अभियान किया। जथरा ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान ने उसका क्षेत्र वापस लौटा दिया। दूसरा था अपना बयाना के विरुद्ध अभियान। बयाना के विरुद्ध अभियान में बयाना का शासक सुल्तान अशरफ था। बयाना का शासक सुल्तानपुर का अशरफ था। सुल्तान अशरफ था जो जौनपुर का अधीनस्थ था, किंतु अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। सिकंदर लोधी ने उसके विरुद्ध अभियान का आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। 1491 ईस्वी में उसने बयाना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद में तीसरा बचगोती के राजपूतों का अभियान। बचगोती के राजपूतों का अभियान, यहां तक हमने पिछली वीडियो में करवा दिया था। सिकंदर लोधी ने अपने भाई बारबख शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। जब सिकंदर लोधी तातर खान और बयाना के विरुद्ध अभियान में व्यस्त था, तो उसी समय जोगा के नेतृत्व में बचगोती राजपूतों ने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। यानी उसी समय जोगा के नेतृत्व बचगोती के राजपूतों पर जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपनी स्थिति को कमजोर पाकर बारबख शाह दरियाबाद भाग गया। सिकंदर लोधी ने सिकरी अपनी सेना संगठित कर 1491 ईस्वी में जौनपुर की ओर कूच किया तथा गढ़ के निकट जोगा की सेना पर आक्रमण कर दिया। जोगा बिना युद्ध के ही रणभूमि से भाग उठा। हुसैन शाह के यहां शरण ली। किसने ली? जोगा ने। सारकी शासक हुसैन शाह के यहां शरण ली।
बरबक शाह ने जौनपुर को पुनः सिंहासन दूर कर दिया। बरबक शाह को पुनः कहां पर जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिया। किंतु कुछ समय पश्चात विद्रोही सामंतों ने पुनः मार भगाया। किसको मार भगाया? बरबक शाह को। इसीलिए सिकंदर लोधी ने आजम हुमायूं और काला पहाड़ को जौनपुर भेजकर बरबक शाह को बंदी बनाने के लिए आदेश दिया। इसी प्रकार जौनपुर पर सिकंदर लोधी की सत्ता पुनः स्थापित हुई थी। हुसैन शाह सारथी के विरुद्ध अभियान। अगला आया अपना हुसैन शाह सारथी के विरुद्ध अभियान। हुसैन शाह सारथी के विरुद्ध अभियान सिकंदर लोधी द्वारा हुसैन शाह सारथी के विरुद्ध अभियान का कारण बकचोटी राजपूत जोगा को प्रेरणा दे। बचगोती राजपूत जोगा को शरण दे, क्योंकि उन्होंने जोगा को शरण दी थी। हुसैन शाह सारथी जौनपुर पर आक्रमण के बाद जो भागकर सारथी हुसैन शाह के पास चला गया। सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह के नाम एक विनम्र और मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा जोगा के समर्पण की मांग, परंतु हुसैन शाह ने अत्यंत तिरस्कार को उत्तर दिया। अतः सिकंदर लोधी के पास युद्ध करने का अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। हुसैन शाह स्वयं युद्ध की पहल की, किंतु वह सिकंदर लोधी द्वारा पराजित हुआ। पराजित होने के बाद हुसैन शाह सारथी भागकर बिहार में शरण ली। जौनपुर के गुरु सिकंदर लोधी को बिहार जीतने का अवसर प्रदान किया। सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह का पीछा किया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा। अतः अंत में बंगाल भाग गया। बिहार दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। वहां सिकंदर लोधी के नेतृत्व में तिरहुत पर आक्रमण किया और वहां के राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। सुल्तान ने महाबत खां को राजा से राजस्व वसूल का कार्य सौंपा। कुछ दिन विश्राम के बाद सिकंदर लोधी बंगाल के विरुद्ध अभियान किया। अब इसके बाद में बंगाल के विरुद्ध अभियान सिकंदर लोधी ने बंगाल के शासक अलाउद्दीन के विरुद्ध कूच किया। बंगाल का शासक कौन था? अलाउद्दीन के विरुद्ध कूच किया, क्योंकि हुसैन शाह सारथी को यहां शरण दी थी। बिहार पटना जिले के बड़ नामक स्थान पर दानियाल के नेतृत्व में
सुल्तान अलाउद्दीन की सेना तथा सिकंदर लोदी की सेना में युद्ध हुआ के नेतृत्व में सुल्तान अलाउद्दीन और सिकंदर लोदी दोनों के मध्य युद्ध हुआ। सिकंदर लोदी की सेना का नेतृत्व महमूद खान लोदी और मुबारक खान लोहानी कर रहे थे, यानी कि सेना का सिकंदर लोदी की सेना का नेतृत्व महमूद खान लोदी महमूद खान लोदी और दूसरा कौन था मुबारक खान मुबारक खान लोहानी मुबारक खान लोहानी कर रहे थे। अंत में दोनों पक्षों की सीमा दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हुआ और समझौते के तहत बिहार को सिकंदर लोदी का राज्य की सीमा मान लिया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रदेश पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने यह आश्वासन दिया कि सिकंदर लोदी के शत्रुओं को शरण नहीं देगा। इसी अवधि में उसने सभी सरकी शासकों सरकी स्मारकों महलों को नष्ट किया। उसने सरकी सुल्तान द्वारा निर्मित मस्जिद को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया, किंतु उन्हें मवर का मना करने पर अपना आदेश वापस ले लिया गया था। इसके बाद ग्वालियर धौलपुर मंदरा तल के युद्ध अभियान ग्वालियर धौलपुर ग्वालियर धौलपुर और मंदरा तल के युद्ध अभियान सिकंदर लोदी सबसे बड़ी उपलब्धि राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना। सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना था। पूर्व में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात सिकंदर लोदी की ग्रुप राजपूत शासकों की ओर ध्यान दिया। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम 1521 में धौलपुर पर आक्रमण किया। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम 1521 में धौलपुर पर आक्रमण किया। यहां भारतीय शासक भयभीत हो गए थे और ग्वालियर भाग गए। यहां का शासक भयभीत होकर कहां भाग गए ग्वालियर चले गए। धौलपुर पर अधिकार कर आदम खान को वहां का नियुक्त किया, यानी कि यहां पर आदम खान को नियुक्त किया। धौलपुर पर अधिकार करके आदम खान को वहां पर नियुक्त किया और धौलपुर का जो शासक था वो ग्वालियर भाग गया। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर की ओर अभियान किया। इसके बाद क्या तत्पश्चात ही सिकंदर लोदी ने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि यहाँ का शासक मानिकदेव धौलपुर का शासक को शरण दी और धौलपुर का शासक कौन था मानिकदेव को इन्होंने ग्वालियर के शासक ने शरण दी थी। मानिकदेव ने आत्मसमर्पण कर संधि का प्रस्ताव रखा, सुल्तान ने स्वीकार कर लिया। अंत में सिकंदर लोदी का राज्य सिकंदर लोदी ने उसका राज्य लौटा दिया। सिकंदर लोदी ग्वालियर को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका। ग्वालियर पर अंतिम रूप से अधिकार इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हुआ, यानी ग्वालियर पर अंतिम रूप से सिकंदर लोदी के बाद में यानी कि इब्राहिम लोदी के बाद उसका अधिकार हुआ था। 1540 में
चार ईस्वी में मंदराचल के विरुद्ध कूच किया और उस पर अधिकार कर लिया और वहां पर मंदिरों को नष्ट कर दिया और मस्जिद बनवाई थी। यानी इस प्रकार उन्होंने ग्वालियर, धौलपुर और मंदराचल पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद में आता है मालवा के मुर्दा ब्याह। मालवा के विरुद्ध अभियान, मालवा के विरुद्ध अभियान, मालवा का शासक नासिरुद्दीन था, यहां का शासक कौन था? नासिरुद्दीन था। मालवा का शासक नासिरुद्दीन था, उसके पुत्रों को आपसी विवाद, उनके पुत्रों में आपसी विवाद के कारण सिकंदर लोदी ने मालवा में हस्तक्षेप किया। चंदेरी के साहिब खां की सहायता से चंदेरी के साहिब खां की सहायता से सिकंदर लोदी ने मालवा में अपना प्रथम प्रस्ताव स्थापित किया। मालवा में अपना प्रथम प्रस्ताव स्थापित किया। इसके बाद में अमीरों पर नियंत्रण, अमीरों पर नियंत्रण, अमीरों पर नियंत्रण। अपने प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रण करने के बाद सिकंदर लोदी ने दूसरी समस्या अफगान सरदारों की स्वतंत्रता एवं विद्रोही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना था। बैरों लोदी के अफगान राजत्व सिद्धांत से भिन्न सिकंदर लोदी ने इसे एक नया स्वरूप दिया। उसने अमीर वर्ग के सुल्तान के प्रति निष्ठा एवं अज्ञात कार्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया। वह राजसिंहासन पर बैठने लगा। दरबार तथा दरबार के बाहर परमाणु से स्वागत करने के नियम बनाए। सभी सूबेदारों एवं जागीरदारों को अपने आय व्यय का विवरण देने का आज्ञा दिया। हिसाब में गबन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान लोदी के हिसाब में गबन करने पर दंडित किया। अतः उस समय धन को राजकोष में जमा कराने के लिए बाध्य भी किया गया था। अब देखते हैं इसके आगे का जो टॉपिक है, सिकंदर लोदी की आर्थिक नीति, धार्मिक नीति और शिक्षा साहित्य ललित कला अपनी जो अगली वीडियो है उसके अंतर्गत करवा देंगे।